खबर अमेठी से है, जहां प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का सुल्तानपुर जाते समय जिले के मुसाफरखाना में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया इस दौरान लोगों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट कर फूल मालाएं पहनाई। राज्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी का बूथ मजबूत है, इसलिए 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। बता दें कि राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति रविवार को लखनऊ से सुल्तानपुर जिले के सामाजिक समरसता कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान राज्य मंत्री का काफिला मुसाफिरखाना के गौरीगंज तिराहे के पास स्थित एक निजी शैक्षणिक संस्थान के सामने रुका। यहां पहले से तैयार ज्वाला प्रसाद प्रजापति, अरुण प्रजापति, डॉक्टर इंद्रपाल प्रजापति, अरुणेश प्रजापति, राजकिशोर प्रजापति, सूरज प्रजापति, श्रीराम प्रजापति, प्रदीप प्रजापति आदि सभी ने उनका स्वागत किया। लोगों से मुलाकात के दौरान राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार व मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार जनता के हित में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। भाजपा सरकार अपने मूल मंत्र में सबका साथ सबका विकास के आधार पर चहुमुखी विकास को प्रतिबद्ध है और विश्व पटल पर सबसे लोकप्रिय पार्टी के रूप में ख्याति प्राप्त है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुसाफिरखाना महेंद्र मिश्रा, मीडिया प्रभारी अंकित शुक्ला आदि सभी उपस्थित रहे। आज सुल्तानपुर में एक सामाजिक समरसता और मेधावी बच्चों के सम्मान का कार्यक्रम है, जिसमें हमें रहना है और 34 मई में यहाँ के हमारे अपने जो समाज के लोग हैं और कार्यकर्ता हैं उनको सूचना मिली तो एक सम्मान का कार्यक्रम यहाँ रखा है। उसी के तहत यहाँ हमारा एक सम्मान का कार्यक्रम था। आगे मैं सुल्तानपुर जाना ही, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम है जी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं आप? देखिए, परसों हमारे एक पूर्वांचल का जो एक्सप्रेस वे बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे एक जनता को समर्पित करेंगे। परसों का एक कार्यक्रम है और क्योंकि हमारे विभाग से संबंधित है तो आज हम वहाँ कार्यक्रम के बाद में अयोध्या रामलला के दर्शन करेंगे शाम को और हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। उसके बाद कल फिर तैयारी उसकी शिलान्यास के रोड का होना है, उसकी तैयारी भी हमें देखनी है और परसों उस जो रोड को प्रधानमंत्री जी हमारे समर्पित करेंगे आम जन को, उस कार्यक्रम में हम लोगों को रहना, उसके बाद लखनऊ वापस जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में मैं नहीं कह रहा, ये आम जन सब जान चुका है कि भाजपा दोबारा सत्ता में आ रही है तो निश्चित ही उनको अखिलेश जी को बेचैनी है और अनर्गल कभी कभी बयान दे जाते हैं जो नहीं देने चाहिए वो भी बयान दे जाते हैं। और 2022 में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर इतना मजबूत है कि उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, सरकार में है। R9 भारत के लिए विश्वमणि तिवारी की रिपोर्ट, अमेठी।